Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Series. आज हम बात करेंगे रेनेसांस की. क्या मतलब था और क्यों ये रेनेसांस फैला और किस तरीके से इसने यूरोप की हिस्ट्री पर, ना सिर्फ यूरोप की, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पे इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला. रेनेसांस कोई एक एज सच रेवोल्यूशन नहीं था जो एक फेज में आया और खत्म हो गया. आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूरोप में एक डार्क एज, जो मिडिवल टाइम्स था, जब यूरोप उससे बाहर निकला तो वो किस तरीके से निकला, क्या एवोल्यूशन ऑफ थॉट था, किस तरीके से साइंस ने, आर्ट ने, कल्चर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और जो दूसरे पॉलिटिकल और कहना चाहिए सोशल फैक्टर्स हैं जिन्होंने रेनेसांस को जन्म दिया, वो क्या थे. So let us begin this, but before that, this is about me. So all you can read about me is here. My teaching experience is more than 7 years, and I have also taught worked as an assistant professor in Regional Institute of Education NCERT Bhopal. Apart from that, I have taught at various institutions throughout the country. So let us begin. So first of all, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं या कोई नया टर्म पढ़ते हैं, नया एक वर्ड पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपका ऑप्शनल हो, वो आपका जीएस हो, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग. फाइन. सो रेनेसांस का मतलब क्या है? आप कहीं से रेनेसांस कहते हैं, कहीं से रेनेसांस कहते हैं, रेनेसांस भी कहते हैं. सो इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है, इट मींस रिबर्थ और रिवाइवल. सवाल यह है कि रिबर्थ किस चीज का? इट रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द मिडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड. सो यूरोप जो मिडिवल चर्च एज से मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ा, उसको जो उसमें जो चेंज आए सोसाइटी के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, उसको हमने कहा ये रेनेसांस है. इट वॉज द रिवाइवल ऑफ द लिटरेचर एंड आर्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल साइड एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू साइंटिफिक इन्वेंशंस. सवाल यही है कि रिबर्थ किस चीज का, किस चीज के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, किस चीज के हम पुनर्जन्म जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसकी बात कर रहे हैं. बेसिकली जो ओल्ड ग्रीको रोमन कल्चर था, जो ओल्ड ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन था, जो ओल्ड ग्रीको रोमन हिस्ट्री थी, ये उसके रिवाइवल की बात कर रहा था. ना सिर्फ नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ जस्ट लेट्स से as a part of history, but art, literature, religion, philosophy, science, politics, har cheez mein, because chahe wo Greek civilization ho ya Roman Empire ho, they hold a very high place in the history, in the world history. So it was revival to that. And one more thing that this whole Renaissance talked about was the spirit of inquiry. Initially हमने जो लास्ट फ्यूडलिज्म में देखा या जो चर्च का जो रोल देखा, वहां पे हमने एक चीज ये देखी कि जो भी बाइबल में लिखा है उस पर सवाल ना किया जाए, वो जो है वो है, या जो चर्च ने कह दिया या जो पोप ने कह दिया या जो भी आपका बिशप था, एबॉट था, या जो पोप था, उन्होंने जो भी कह दिया उसे फाइनल माना गया, उस पर इंक्वायरी नहीं की गई. इंक्वायरी इन द सेंस नॉट लाइक एन इंक्वायरी कमीशन, बट द साइंटिफिक इंक्वायरी, द रेशनल इंक्वायरी, कि अगर कोई चीज है तो वो क्यों है. सो ये इस चीज के रिवाइवल को हमने रेनेसांस कहा. द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म बिगेन टू डोमिनेट इन दिस सोशल स्फीयर. नाउ दोनों चीजें, इंडिविजुअलिज्म भी डेवलप हुआ और ह्यूमनिज्म भी डेवलप हुआ, और ना सिर्फ इंडिविजुअलिज्म या ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ, देयर वाज अ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वाज सिंबलाइज्ड बाय द रिफॉर्मेशन दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन.
So this, all these changes, whether it was in the field of art or literature or religion or philosophy or science or politics, anywhere, you know, the end of feudalism means this transformation of from church to this modernism was Renaissance. And all these changes in Europe were collectively referred to as Renaissance. अगली चीज जो हम ये हम समझे कि रेनेसां का जो टाइम पीरियड है रफली, क्योंकि ये कोई एक दिन का या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का रेवोल्यूशन नहीं था, सो इट कैन नॉट बी बाउंडेड टू टाइम, बट द यू नो द मेन सेंटर ऑफ रेनेसां वाज इटली. जो रीबर्थ का जो बर्थ हुआ वो इटली में हुआ. और ये जो टाइम पीरियड माना जाता है जिसको हम रेनेसां कह रहे हैं, इट इज समवेयर बिटवीन 1300 to 1600 AD. Please, again note this down. That this is from, you know, let's say, from 1300 to 1600 AD. और इसी को हम जब हम ये कहते हैं कि जो यूरोप है वो मिडिवल एजेस से मॉडर्न एजेस की तरफ बढ़ा, तो ये वो टाइम पीरियड था. लेकिन ये रेनेसां की शुरुआत कहाँ से होती है? ये रेनेसां की शुरुआत होती है इस रीजन से. इस रेनेसां की शुरुआत होती है इस रीजन से, दैट इज मॉडर्न डेज इटली. इटली से इसकी शुरुआत हुई. अब सवाल यह है कि वाई इटली बिकेम द वाज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां, वाई नॉट समवेयर लाइक स्पेन, फ्रांस और द रोमन एम्पायर और द हंगरी और एनीवेयर, लिथुआनिया या इंग्लैंड एज सच अगर हम समझें, कहां वहां सबसे ना होके जो हमेशा से ये जो स्पेन, फ्रांस, रोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, जर्मनी या इंग्लैंड, ये हमेशा से यूरोप के हिस्ट्री में और यूरोप के पॉलिटिक्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये वहां ना होके ये इटली से क्यों शुरू हुआ? अगर आप 15th सेंचुरी की इटली को समझें, सो इट वॉज लाइक एनी अदर प्लेस इन यूरोप. इट वॉज नॉट, इट वॉज समवॉट डिफरेंट. इट वॉज डिफरेंट वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स, ईच विद अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लाइक सिटी स्टेट्स थे, जैसे ये किंगडम ऑफ नेपल्स था, ये मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट्स. हियर इट वॉज सिसिली. So there are like various city states mein tha, divided tha. Florence, where the Italian Renaissance began, was an independent republic. So this Florence is very important. This Florence is very important because this was the time where this is the place basically where from the Renaissance will begin. Also, it was the banking and the commercial capital. And I'm sorry. After London and Constantinople, this was the third largest city in Europe. So this Florence, Europe ka sabse bada shahar jo tha wo London tha. London ke baad dusra sabse bada jo shahar tha wo Constantinople tha. Constantinople aaj ka Istanbul hai. Or the third, and after that Florence was the third largest city. And this is Italy in 1494. 15th century ke end tak ye Italy tha, which was divided into city states. Ek cheez ye. But if you will see the trade route from here, it was the African part se bhi tha, idhar se ye Adriatic Sea ke through ye Arab se bhi associated tha, and you can see it just Adriatic Sea was between Italy and the Roman and the Ottoman Empire. Fine. So this Ottoman Empire ke saath jo hai inka trade bhi chal raha tha, and it was basically between the Arab world and the rest of the Europe. So Italy was same. See, agar aap Bengal ko dekhoge, to Bengal was the link between East Asia and rest of the India. Kyunki sara jo trade tha wo pehle Bengal aata tha. Agar hum India se isko thoda sa compare kare, usi tarike se us waqt Italy ki bhi situation yahi thi, that it was the connecting link, or it was the connection between Arab world, which was most dominating at that point of time, and the rest of the Europe, accessible by sea. Obviously, just it was across Adriatic Sea, and here you can see you can reach Africa. Here you cross Mediterranean Sea and you can reach Africa. It had great trading cities and banks, but that all trading cities and banks were controlled by the Catholic Church. They grew their own crops, they acquired their wealth, and was the original site of Roman Republic and Roman Empire. So this Italy was, it was different. It was a geographic, intellectual, and economic intersection. So why,
whenever something, आप इंडिया में भी देखोगे कि बंगाल का जो बांग्ला लिटरेचर है, it had grew like anything. स्टार्टिंग में हमारा जो रेवोल्यूशन भी चला वो बंगाल से चला. बंगाल लिटरेचर की हम अगर हम बात करें तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, he was the you know first Asian to win a Nobel Prize. He was from that region. Why these things happen? Because whenever there is a junction, like Italy was a junction, Bengal was a junction of trade, especially. So it is not just a junction of trade. It is basically the confluence of ideas that is coming in. वो सिर्फ geographic intersection नहीं है, या वो सिर्फ trade के नाम पे trade का intersection नहीं है, वो intellectual intersection भी है. और जब भी इस तरीके के कोई you know कहना चाहिए कि इस तरीके का कोई भी एक junction है जहाँ पे इस तरीके की trade है, so you know that always lead to confluence of ideas, and whenever you know new ideas come, the you know there is growth of urban centers is there, there is growth of intellectual are there, people used to patronize art and literature, so these are the impacts. So Italy was at that position. The several Italian city states were in fierce competition with each other. This stimulated progress in several dimensions. So these, like whether it was Sicily or Naples or Florence or Venice or Genoa, they all were in you know competition with each other, and they were like in a healthy competition. उससे क्या हुआ? उससे उनका you know एक positive growth की तरफ वो एक positive growth की तरफ वो बढ़े. Venice and Genoa were powerful throughout the Mediterranean Sea and constantly brought new people, products, ideas and procedures to Italian mainland, even if just temporarily. So cities like Venice and Genoa, they also developed. Apart from that, this is the reason why Italy, like why Italy was the birthplace. So it was at the confluence of geography, it was at the confluence of economy, it was the at the confluence of intellect, which ultimately led to the birth of Renaissance. Now, why this Renaissance occurred? Why this Renaissance occurred? We'll see factors one by one. First of all, reintroduction of the classical works. So what happened? That initially we talked about that ki Renaissance rebirth hai, to rebirth kis cheez ka hai? Ye rebirth hai old Greek and Roman you know civilization ka, old Greek and Roman culture ka, traditions ka. And the most significant contribution of Renaissance was the resurrection and studying of ancient Latin and Greek literature. So what they did in that period, they started rereading, rather I will say, all those philosophy and texts and literature जो कि हजार साल पहले लिखे, मतलब हजारों साल पहले लिखे हुए जो टेक्स्ट थे, जो ग्रीक और रोमन एम्पायर और जो ग्रीक और लैटिन में लिखे हुए थे, उनको इन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया. The pioneering scholar in this was Petrarch. He lived for this period and he collected and compiled the works of Aristotle and Plato. So Aristotle and Plato were like way old. लेकिन यू नो देयर वर्क, क्योंकि वी हैव सीन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मेडिवल एजेस, चर्च का डोमिनेशन, फ्यूडलिज्म, और उन सब में इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने रिविजिट और रीबर्थ यू नो रिवाइवल की बेसिकली बात की. हिज स्टूडेंट बोकाचियो वाज आल्सो प्रमोटेड क्लासिकल लर्निंग. सो दिस इज योर पेट्रार्क एंड दिस इज द स्टूडेंट Petrarchio, this is your Aristotle, this is Plato. So many Greek scholars who come from Constantinople spread ancient Greek literature in Florence. Now one thing else happened, which I must tell you, or I'll tell you in the coming slides. Stop for a moment. So in 15th century, so ab literature ka, kaun sa literature? Jo classical literature tha, uska promotion shuru hua. Classical literature ka promotion shuru hua. Pope Nicholas V founded Vatican Library in the 15th century. Erasmus edited the New Testament in the Greek language. Now, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हुईं कि classical जो Latin हमने जैसे पढ़ा था कि last session में हमने देखा था कि Latin जो है that was the main language and that was not easily known to everyone. That was the reason कि हर किसी के पास education नहीं थी. तो ये जो classical work था, इनका compilation फिर से शुरू होता है, और ना सिर्फ compilation शुरू होता है, इनका translation भी शुरू होता है in the modern Greek languages. Impact ये हुआ कि Pope Nicholas V he founded the Vatican Library. So these kind of works
the people started patronizing these works. While there was classical text in Western Europe at the start of Renaissance, many had been lost and existed only in the East, in both Christian Constantinople and Muslim states. हो ये रहा था कि अगर आप ऑटोमन एम्पायर को देखें, कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत बड़ा सेंटर था, उसका मतलब वहां पे क्रिश्चियंस भी थे. अभी हमने एक रीसेंट इवेंट देखा कि हाया सोफिया जो एक चर्च था, फिर उसे एक्वायर किया गया, फिर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, वापस उसको उसके एक हिस्से को मस्जिद बना दिया गया. टर्की में हुआ, ये इस्तांबुल में हुआ, और यही बेसिकली ये जो जो स्ट्रक्चर है हैगिया सोफिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक क्रिश्चियन हिस्ट्री का और उसका एक बहुत बड़ा सेंटर था. और कॉन्स्टेंटिनोपल जब मुस्लिम्स ने ऑटोमन एम्पायर ने बेसिकली जब उसे ऑक्यूपाई किया, तो उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया. और ऐसा भी नहीं था कि सुल्तान अल फातेह, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था और ही इज क्रेडिटेड विथ बिल्डिंग द लार्जेस्ट कैनन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सुल्तान अल फातेह जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया, ऐसा नहीं था कि ऑटोमन एम्पायर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़ी मस्जिद दूसरी नहीं बना सकते थे. लेकिन दिस वॉज सिम्बॉलिक कि यस नाउ वी सिट हियर मींस वी आर रूलिंग द वर्ल्ड. सो वहां से क्या हुआ, क्रिश्चियन कॉन्स्टेंटिनोपल मींस उस रीजन में और मुस्लिम स्टेट्स में बेसिकली जो क्लासिकल टेक्स्ट था वो वेस्टर्न यूरोप को बिलोंग करता था. लेकिन बिकॉज ऑफ दैट मिडिल एजेस, ये सारा जो क्लासिकल टेक्स्ट है ये यहां और यहां, मींस लाइक इवन नो अरब्स दे यूज्ड टू स्टडी दिस क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो एंड सो ऑन. ड्यूरिंग रेनेसांस मेनी की टेक्स्ट वर रीइंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप बाय मर्चेंट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द न्यू हंगर फॉर द ओल्ड टेक्स्ट बाय स्कॉलर्स हु हैव बीन invited over to teach. So, जब obviously हर किसी ने इसमें अपनी merchants basically जो थे उन्होंने इसमें अपनी opportunity search की कि यहाँ तो अब फिर से ये old text को जो है revive करने की बात कर रहे हैं. So, let us do that. Like in 1396, we are talking in the 14th century, chair for teaching Greek was created in Florence. Florence हमने पढ़ा एक important center था. और वहां पे क्योंकि इटली था तो इटालियन लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस था, लैटिन को भी इम्पोर्टेंस था, लेकिन ग्रीक विच वाज मोर सो ग्रीक समझने के लिए, ग्रीक लैंग्वेज के लिए वहां पे उन्होंने फ्लोरेंस में इस चीज की शुरुआत की. और इस काम को मींस दिस द वन हु वाज अपॉइंटेड टू चूज टू टीच ग्रीक वाज क्राइसोलोरस. And he brought him with him the copy of Ptolemy's Geography from the East. So, not just, the idea, the philosophy, but, geography, history, इस तरीके के भी जो इनसे related जो classical texts थे, वो भी reintroduce होते हैं. In addition, a huge number of Greek texts and scholars arrived in Europe with the fall of Constantinople in 1453. Now, this date and this fall of Constantinople is very crucial in the world history. Constantinople was like the center. Byzantine Empire ka hissa tha. Aur Byzantine Empire mostly Christians ka tha, Catholics ka tha. Aur us waqt jo sabse bada, matlab us waqt aap ye keh lijiye ki sabse badi jo strong Muslim power thi, wo Ottoman Empire thi. और ऑटोमन एम्पायर ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को, अभी जो मैंने आपको बताया सुल्तान अल फातेह के बारे में, उन्होंने उसे ऑक्यूपाई किया. तो हुआ ये कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल को मुस्लिम्स ने, ऑटोमन्स ने ऑक्यूपाई किया, तो वहां पे जितने स्कॉलर्स थे, जितने ग्रीक और जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे और स्कॉलर्स थे, वो क्या हुआ, वो लोग मूव करे किस तरफ, इटली की तरफ और वेस्टर्न यूरोप की तरफ. And they themselves with brought, unke saath apne saath bahut sara text and definitely the intellect that they brought in. So that also contributed in this reintroduction of classical work. Then because of that, there was a rise of intellectuals. Like, an important feature of the Middle Ages was that the rise of literacy. People learned to read and write Latin and also vernacular language. So, ab kya hua, ek jo change is daur mein aaya, वो ये आया कि द पीपल वर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द लैटिन लैंग्वेज, बट उन्होंने
वर्नाकुलर्स को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू किया. इट वॉज लाइक बोथ द वे. सो एनकरेजमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्लर्गी, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स एंड मर्चेंट्स. दे नीडेड सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन टू कैरी गवर्नमेंट एक्टिविटीज. देयरफॉर यू नो इन 14th सेंचुरी वी सॉ द राइज ऑफ द स्कूल्स इन इटली. इवन you know, the commoners got interested in reading classics. They sent their children to higher education. This period saw the emergence of universities like Paris, Naples, Oxford, Cambridge. This was that time period. जब ये renowned universities and schools they started emerging. So obviously this ultimately led to what? This ultimately led to the spread of knowledge. And spread of knowledge lead to obviously a new approach and a new thinking is there. Then the most critical thing, although very small invention, but actually it changed the world. Small in the sense not by the matlab uski importance is small nahi tha. John Gutenberg ne, in bhai sahab ne ye wale jo bhai sahab hai, inhone kya kiya, inhone invent ki printing press. Aur is printing press ne jitna renaissance ko contribute kiya wo kisi ne nahi kiya. Aur इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये दिस इज एक्चुअली द गुटेनबर्ग्स, ये उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी और ये उनकी प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई बाइबल थी. सो उन्होंने बाइबल को प्रिंट किया. इससे क्या हुआ, द डेसिमिनेशन ऑफ लिटरेचर बिकेम फास्ट. विलियम कैक्सटन वॉज द फर्स्ट टू सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड. लेटर मेनी प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप थ्रू आउट द यूरोप एंड दीज वर लाइक दीज प्रिंटिंग प्रेस ने actually they provided the motivation. It actually jo fast dissemination of knowledge, intellect, thought process, thoughts ka tha wo shuru hua because of this printing press. So in spread of renaissance the whole renaissance movement is was widely dependent or widely inspired by the discovery of this printing press. Then patronage of rulers, popes and nobles. So in 15th century Italian cities came under the rule of influential families. Ab ye hone laga ki ab ye jo hamara 15th century ka jo Italy tha aur jo Europe tha, ye Italy ka hi aisa kuch hissa hai, ye aapka Sicily hai. So ye jo region tha Italy ka, ये क्या हुआ, ये जो स्टेट सिटी स्टेट्स थे ये क्या होने लगे, ये बड़ी फैमिलीज के इन्फ्लुएंस में आने लगे. और ऑब्वियसली व्हेन आर्ट एंड लिटरेचर को जो है वो हमेशा से जब तक रिच क्लास का पैटर्नेज नहीं मिला वो कभी उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाए. तो यही हुआ एंड अल्टीमेटली दे स्पेंड अ लॉट ऑन कंस्ट्रक्शन एंड स्पॉन्सरिंग आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज. द मेडिची फैमिली dominate the city state of Florence. So Florence was an important city and this Medici family was dominating that. They controlled European finances and made state prosperous. Lorenzo patronized arts. Venice also became a center of Renaissance art supported by its rulers. King Francis of France, Henry VII of England patronized scholars and invited them to court. Popes encouraged the revival of Greek and Roman classics. Pope Nicholas V ये हैं, he asked for classics for whatever price. तो उन्होंने क्या किया, ये जो अब क्या हुआ, जब ये एक intellectual और एक जो middle एक educated class था, उसने जब rebirth की बात की, revival की बात की, जो classic literature था, जो classic thoughts थे, तो ये जो rulers थे, ये जो popes थे, ये जो nobles थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उस चीज को patronize करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास लेके आइए. We will give you the protection and other resources that you need and you can take whatever money you want. So he gathered a band of writers for the job of translating. Unhone fir usko translate bhi kiya. Pope Leo X was a lover of classical art and literature. So now what happened, if you will see, like Medici was an important family of the Florence, or rather the dominating family of the third largest city in Europe. They were patronizing art. इसलिए आप देखोगे कि जो यूरोप में रेनेसां के दौर के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर मोस्टली इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक आर्किटेक्चर. उसी को और रादर दे वर लाइक द ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर, बिकॉज दिस रेनेसां वाज द रिवाइवल ऑफ द ग्रीको रोमन
thoughts and ideas. Another thing was the crusades. अब ये बड़ा अजीब एक इन सब में impact हुआ. That crusades were the expeditions of the Christians to reconquer the lost areas from infidels. उस point of time पे, because ये वो दौर था, let's say हम 1088 में जब पहला crusade launch हुआ, अगर हम इसी time period की बात करें, ये वाला जो time period था, यहाँ पे ये हुआ कि crusade basically क्या था? Crusade was the holy war between the Muslims and the Christians. Basically आज भी इस चीज पे झगड़ा है, लेकिन अब आज Jews और मतलब ये सब के बीच झगड़ा है basically. This city, this place, this country of Palestine, especially the city of Jerusalem, it is मतलब उसके बीच झगड़ा इतना बड़ा है कि आज भी Christians भी उसपे claim करते हैं, Muslims भी अपना claim करते हैं, Jews भी अपना claim करते हैं. And so उस time पे Jews were not that dominating. It was the major forces at that point were the Muslims and the Christians. Muslims और इनके बीच हमेशा जो होली वॉर हुआ, जो लड़ाई हुई, उसे कहा गया क्रूसेड. सो द फर्स्ट क्रूसेड वॉज लॉन्च इन 1088 बाय पोप अर्बन. आफ्टर दैट 7 मोर मेजर एंड सम माइनर क्रूसेड वर देयर. इनका बेसिक पर्पज ये था बिकॉज द पैलेस्टाइन, जिसको फिलिस्तीन या जो आप हम अगर आज का शहर की बात करें तो द सिटी ऑफ जेरूसलम, इट हैज फॉलन टू मुस्लिम्स. और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना उसे वापस लेने का. ऑल द क्रूसेड फेल्ड इन देयर रिलीजियस पर्पस, बट ऑब्वियसली इट ब्रॉट सम ग्रेट इफेक्ट्स इन कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ यूरोप. इट एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स विच मेड इटालियन स्टेट प्रॉस्परस, क्योंकि देयर वाज सम कॉन्टैक्ट विद द अरब वर्ल्ड, एंड अरब वर्ल्ड का कॉन्टैक्ट पॉइंट या जो यूरोप से अरब जाने का जो लास्ट कहना चाहिए पॉइंट था यूरोप में, वो इटली था. सो ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, अगर ट्रेड बढ़ेगा तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज बढ़ेगा, एंड स्कॉलर्स कुड ब्रिंग बैक मेनी टेक्स्ट विच वर लॉस्ट इन द रोमन किंगडम एंडेड. सो जब ये अरब से इनका कॉन्टैक्ट बढ़ा, अरब्स ने इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा, इन चीज़ों पर स्टडी की. इजिप्ट में बहुत बड़ा एक सेंटर था, कॉन्स्टेंटिनोपल में बहुत बड़ा सेंटर था, अनातोलिया में बहुत बड़ा सेंटर था, जहाँ पे इस तरीके के लिटरेरी एक्टिविटीज लिटरेरी वो चलते थे. सो दिस वॉज देयर देन दिस क्रूसेड्स. तो इन्होंने क्या किया, जब वहां पे जो जब इनका कॉन्टैक्ट बढ़ा अरब्स के साथ, तो ये अरब से वहां जो मर्चेंट्स थे वहां से जो पुराना लॉस्ट टेक्स्ट था वो कहाँ लाने लगे, इटली लाने लगे, क्योंकि वो लैटिन में लिखा था. तो उसे क्या किया, या कई ऐसे टेक्स्ट थे जिसको अरबिक में भी ट्रांसलेट कर लिया गया था, तो उन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली ट्रांसलेटेड द ग्रीक एंड द अरब राइटिंग्स. पीपल डिस्कवर्ड एरिस्टोटल्स क्लासिक एंड डिस्कवर्ड हिज व्यू डिस्कस हिज व्यूज. और जब इस तरीके के डिस्कशन होने लगे, इट एक्चुअली लेड टू दी यू नो एनकरेजमेंट एंड अ न्यू एरा ऑफ लर्निंग स्टार्टेड. दिस कॉन्टैक्ट विद द न्यू वर्ल्ड ब्रॉट न्यू आइडियाज एंड गेव एन इम्पीटस टू रेनेसांस. इसी तरीके से जो जियोग्राफिकल डिस्कवरी थी, दैट ब्रॉट चेंज इन द आउटलुक ऑफ यूरोप. अमेरिका सी रूट टू इंडिया 1498, अमेरिका 1492, एंड दिस डेवलप द एडवेंचर स्पिरिट विच एनकरेज द राइज ऑफ रेनेसांस. सो ये एक तरीके से एक्सप्लोरेशन का जो इनका आइडिया था, या जो जिस तरीके से आप देखोगे ना, इंडिया क्रिस्टोफर कोलंबस कब निकले, वास्को डी गामा कब निकले, सब 15 सेंचुरी, ये सब रेनेसांस की देन है. दुनिया का अगर हम इसको बहुत ही एक श्रूड और पॉलिटिकली रूड मैनर में इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, तो जो रेनेसांस है वो सॉरी जो कॉलोनियलिज्म है दुनिया में जो फैला, वो रेनेसांस की देन था. क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, ये एक्सप्लोर करने लगे तो इन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया में कितनी ज्यादा हम कितना कुछ और ढूंढ सकते हैं. सो दिस वॉज अनदर टू दैट. सो वी विल एंड दिस पार्ट ऑफ रेनेसांस हियर ओनली. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर द रेनेसांस लिटरेचर एंड सो ऑन. टिल देन आई होप आपको रेनेसांस का मतलब समझ में आया. रेनेसांस इटली में, रेनेसांस की शुरुआत इटली में होती है, तो ये शुरुआत इटली में ही क्यों हुई ये समझ में आया, एंड क्या रीजंस थे कि ये रेनेसांस आया. सो विल स्टॉप हियर. आई होप यू लाइक द वीडियो. डू यू नो गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स. दैट इज क्वाइट यू नो द क्रिटिसिज्म, इवन इफ यू डोंट लाइक समथिंग दैट मेंशन दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेलकम. So, till then, have a great time at home. Stay safe, stay healthy in this pandemic time.
I'll see you in the next session. Till then, goodbye.